नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपकी 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड, जो कि आपका 15 फरवरी से एग्जाम है, उसके संदर्भ में। और आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे आपके सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आते हैं। तो इन सभी का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और लगभग जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आपके इस बार बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और ये जो आपका स्लाइड बना हुआ है, ये हमारे जो सजेशन मैंने आपको दिया था उसी का ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है कि सेडोवा के युद्ध में, सॉरी, सेडोवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। हमारा यहाँ पर पहला सवाल है कि सेडोवा का जो युद्ध है वो किनके किनके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा, हमारा जो सेडोवा का युद्ध है वो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। याद रखिएगा, हमारा जो सेडोवा का युद्ध है वो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में पर्सा की जीत हुई थी और ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। अगर कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है कि सेडोवा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तो पर्सा जीता था और ऑस्ट्रिया जो ये युद्ध हारा था। तो पहला का हमारा जो आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि सेडोवा के युद्ध में किसकी किनके किनके बीच हुई। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में जो है सेडोवा का युद्ध हुआ था। देखिए, हमारा अगला सवाल है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर सवाल है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। देखिए, रक्त एवं लौह नीति का मतलब होता है कि मतलब अपने तलवार के दम पर छोटे छोटे प्रांतों को एकत्रित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं रक्त एवं लौह नीति। तो आप सबको पता होगा कि रक्त एवं लौह नीति का जो अवलंबन किया था वो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क के द्वारा किया गया। चूंकि बिस्मार्क जब एकीकरण की प्रक्रिया कर रहे थे तो ये क्या किया था कि एक राजा से सहयोग लेकर, जिसका नाम था विलियम फर्स्ट, और विलियम फर्स्ट से ये सहायता पर प्राप्त करके सेना की मदद से ये क्या कर रहा था, अपने तलवार के दम पर इटली को एकीकृत कर रहा था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। अब आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, तीसरा सवाल है, ध्यान से देखिए। कह रहा कि व्याना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, व्याना सम्मेलन जो है ये 1815 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, व्याना सम्मेलन जो है ये 1815 ईस्वी में हुआ था। ये भी मैं आपको बता दूं कि आखिर व्याना सम्मेलन हुआ क्यों था। देखिए, पूरे यूरोप में जिस समय राजतंत्र था तो यूरोप लगभग 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, और यहाँ के जितने भी राजा थे वे हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में लगे रहते थे। जब भी होगा, चूंकि वहाँ कोई संविधान ही नहीं था, जितने भी 300 अलग अलग राजा थे सब अपना अपना एक अलग अलग संविधान बनाकर रखा था, और वो जनता का विकास कम और अपने छोटे छोटे वर्चस्व के कारण हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे, जिसके कारण यूरोप का जो विकास था वो नहीं हो पा रहा था। अतः सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप के राजाओं को एकत्रित करने का प्रयास किया। जो यूरोप लगभग 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था वो नेपोलियन बोनापार्ट के प्रयास से 33 टुकड़ों में सिमट गया। लेकिन जब 33 टुकड़ा बचा तो वहां के सभी राजाओं ने क्या किया, 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन किया जिसका नाम रखा वियना सम्मेलन। इसका नाम रखा वियना सम्मेलन, और इस वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था मेटरनिक। याद रखिएगा, इस वियना सम्मेलन का अध्यक्ष बना दिया किसको, मेटरनिक को, और मेटरनिक को अपना अध्यक्ष मान करके ये 33 जो राजा है वापस में एकत्रित हो गए। और जब इसकी सूचना नेपोलियन बोनापार्ट को मिली तो जिन नेपोलियन बोनापार्ट के डर से पूरी यूरोप के राजा भयभीत थे, नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया, जब 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ
और मेटरनिक को जब अध्यक्ष बनाया गया और इसकी सूचना जब मिली किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को, तो नेपोलियन बोनापार्ट सदा सदा के लिए फ्रांस छोड़ करके भाग गया और यूरोप में एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे हम लोग मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सवाल सिर्फ ये था कि वियना सम्मेलन कब हुआ, तो याद रखिए कि वियना सम्मेलन जो है ये हमारा 1815 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आपका 3 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल है कि बोलीविया, देखिए ध्यान समझिए, बोलीविया एक देश का नाम है, यहाँ पर जनसंघर्ष हो गया। जनसंघर्ष का मतलब होता है कि जब जनता अपने शासक के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दे, इसको हम लोग बोलते हैं जनसंघर्ष। तो बोलीविया में जनसंघर्ष हो गया था, इसका क्या कारण था? देखिए जी, इसका कारण आप जानिएगा तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। भारत में जिन चीजों की बिल्कुल भी अहमियत नहीं है, लोग जानते हैं कि भविष्य में इसको लेकर के किल्लतें हो सकती है, इसके बावजूद भी उसको नजरअंदाज किया जाता है, इसी कारण से जो है ना बोलिविया में जनसंघर्ष शुरू हो गया। तो आप समझ ही रहे होंगे इसका सबसे प्रमुख कारण था कि पानी की कीमतों में वृद्धि। आप समझिए कि भारत में अगर ये ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारा पानी है अभी, लेकिन भविष्य में पानी रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बोलिविया एक ऐसा देश था जहां पर पानी की कीमत में वृद्धि के कारण जनसंघर्ष शुरू हो गया। तो याद रखिएगा 4 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है बोर्ड पे, और सवाल है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। देखिए दास कैपिटल जो है भाई एक पुस्तक का नाम, याद रखो दास कैपिटल जो है ये पुस्तक का नाम है, जिसे हम लोग समाजवादी के बाइबिल के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग समाजवादियों का बाइबिल के भी नाम से जानते हैं, समाजवादियों का बाइबिल के भी नाम से जानते हैं, समाजवादियों का बाइबिल के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और इनके जो रचयिता है वो थे कार्ल मार्क्स, याद रखो इनके जो रचयिता है वो कौन है, कार्ल मार्क्स है, इसके रचयिता जो है वो कौन है, कार्ल मार्क्स है। तो यहाँ पर बहुत चीज आपको सीखना मिलेगा, पहले कि दास कैपिटल है क्या, तो दास कैपिटल एक पुस्तक का नाम है और इन पुस्तकों में समाज सुधार के बारे में बहुत सारी थ्योरी लिखी गई थी, इसीलिए इसको हम लोग समाजवादियों के बाइबिल के भी नाम से जानते हैं। और इनके जो रचयिता है, इनके जो लेखक है वो कौन थे, कार्ल मार्क्स थे, और इनका प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में। तो याद रखिएगा यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पूछा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा 1867, लेकिन आपको ये सभी चीज भी याद रखना है कि दास कैपिटल एक पुस्तक का नाम है जिन्हें समाजवादियों के बाइबिल के भी नाम से जाना जाता है, और इनके जो रचयिता हैं वो कार्ल मार्क्स हैं, इनके जो रचयिता हैं वो कौन है, कार्ल मार्क्स हैं। यानी हमारा 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए छठा सवाल देखिए, छठा सवाल है कि रूस की बॉलशेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। देखिए रूस में जो बॉलशेविक क्रांति हुई थी इसका जो नेतृत्व था वो लेनिन कर रहे थे, याद रखिएगा रूस में जो बॉलशेविक क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, लेनिन कर रहे थे, यानी बॉलशेविक दल का जो नेता था वो कौन था, लेनिन था। याद रखिए ये वही लेनिन है जिन्होंने नई आर्थिक नीति का भी निर्माण किया था, नई आर्थिक नीति का जो निर्माण हुआ था इसी लेनिन के द्वारा हुआ था। वही लेनिन है जिन्होंने ट्रॉटस्की में करेंसकी की सरकार को गिरा करके अपना स्वयं का एक सरकार स्थापित कर लिया था, और करेंसकी के सरकार को पलटने के लिए उन्होंने क्या किया था कि पेट्रोगार्ड के रेलवे स्टेशन, डाकघर, कचहरी एवं जितने भी सरकारी संस्थान थे उन सभी सरकारी संस्थान पर कब्जा कर लिया था, और बलपूर्वक इन्होंने क्या 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 किया था, करेंसकी की सरकार को गिरा दिया था। इस क्रांति को हम लोग अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जानते हैं। तो अक्टूबर क्रांति का भी जो नेता था वो कौन था, लेलिन था, और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व भी किसके द्वारा किया गया, लेलिन के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा कि लेलिन से जुड़ा हुआ कई बात है, तो इसका हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, कह रहा कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। देखिए क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम एक पुस्तक का नाम है,
इनके लेखक कौन है? इनके लेखक हैं फान बोई चाओ, याद रखो, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं फान बाओ चाई। देखिए ये हिंद चीन में, ये जब ये किताब लिखी गई द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, इस पुस्तक में इतनी राष्ट्रवाद की भावनाएं कूट कूट करके भरी थी कि हिंद चीन में के लोगों में सीधा यह पुस्तक जो है ना राष्ट्रवाद की भावना जागृत कर दी। तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का एक श्रेय इस पुस्तक को भी जाता है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। और इनके जो लेखक हैं वो हैं आपका फान बोई चाओ, इसके लेखक हैं फान बोई चाओ। तो याद रखना द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम एक पुस्तक का नाम है जिनके रचयिता हैं फान बाओ चाओ। और ये एक ऐसा पुस्तक था जिन्होंने पूरे हिंद चीन के क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करने का प्रयास किया, लोगों में क्रांति लाई, लोगों में आजादी के लिए प्रेरणा जागृत किया। तो इस पुस्तक को हम लोग एक क्रांतिकारी पुस्तक भी कह सकते हैं, याद रखना। हमारा अगला सवाल है, सवाल यहाँ पर है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? देखिए ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है लगभग। देखिए हिंद चीन में सबसे अधिक शासन रहा फ्रांस वालों का, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा। बहुत सारे बच्चे जब भी हिंद चीन देखते हैं और फटाक से उसका आंसर फ्रांसीसी मार देते हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली, याद रखना। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे, लेकिन सबसे ज्यादा इसको लूटा कौन? तो फ्रांसीसियों ने लूटा, क्योंकि फ्रांसीसी ने वहां पर अपना उपनिवेश स्थापित किया और वहां के कच्चे संसाधन को अपने देश भेजते थे। जिस तरह भारत में अंग्रेज लूट रहा था, उसी तरह हिंद चीन में फ्रांसीसी भी लूट रहा था। और वहां पर फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था, याद रखिएगा, फ्रांसीसियों को हिंद चीन में क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखिए क्या कह रहा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए ये हुई थी 1920 ईस्वी में, याद रखिए कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। देखिए चूंकि कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि अगर हम मजदूर और किसान को भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ते हैं तो उनकी ताकत काफी अधिक बढ़ जाएगी, अतः 1920 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही ऑल इंडिया, या यहाँ पर लिखा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। किसका? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब हमारा अगला सवाल है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये विद्रोह हमारा 1916 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, रंपा विद्रोह जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वो था हमारा बोमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा, बोमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, समझ लिए कितना पुराना, 1885 ईस्वी में, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन है? बोमेश चंद्र बनर्जी है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला सवाल है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आपको तो ये पता ही होगा, इसमें कोई विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। 1 मई को मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है कि पूरे विश्व भर में जितने भी मजदूर हैं वो सब इस दिन छुट्टी पे रहते हैं और अपनी एकता को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। चलिए हमारा जो 13 नंबर सवाल है इसको ध्यान से देखिएगा। करा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? देखिए एक एक बच्चों को भी पता होगा कि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है ये सबसे पहले कहाँ से हुई थी? जी इंग्लैंड से हुई थी। बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। क्यों हुई थी?
क्यों हुई थी कब जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर औद्योगिक क्रांति है क्या। फैक्ट्रियों की संख्या में एकाएक काफी तेजी से वृद्धि होना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। फैक्ट्रियों की संख्या में एकाएक काफी तेजी से वृद्धि होना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। और फैक्ट्रियों के चलाने के लिए कच्चे संसाधन की आवश्यकता होती है, और सबसे ज्यादा कच्चा संसाधन जो था वो उस समय इंग्लैंड के पास था। क्यों था आपको पता ही है कि इंग्लैंड एक बनिया वाला देश था, एक व्यापारिक देश था। उस समय कई देशों के साथ इसका जो है ना उपनिवेश स्थापित था, जैसे भारत भी उसमें एक उपनिवेश था, जहां से इंग्लैंड कच्चे संसाधन को एकत्रित करता था, अपने देश लाता था और उसको फैक्ट्री में डाल करके फिर से उसको उच्चतम गुणवत्ता प्रदान करता था और फिर से इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचता था। तो याद रखो कि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ हुई, इंग्लैंड से हुई। याद रखना औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ से हुई है, इंग्लैंड से हुई है। उम्मीद करते हैं, देखो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर जी जो है ना स्पीड धर लिए, क्योंकि मजबूरी है हमारी। अगर इस वीडियो को अगर आप क्लास वाले वीडियो में देखेंगे तो वहां पर मैं थोड़ा सा स्थिरता से इसे समझाता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। अंतिम टच मैं आपको दे रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अंतिम समय में आपको मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ लाभ मिल जाए, इसी लेकर के मैं थोड़ा सा स्पीड हूँ। और एक एक वीडियो में मैं कम से कम एक एक 100 ऑब्जेक्टिव डिस्कस कराऊंगा और लगभग 350 ऑब्जेक्टिव मैं आपको सोशल साइंस में करवाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में आसानी हो सके। तो आराम से इसको, अब इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी पढ़िए, अभी समझिए, आ दिक्कत है तो फिर से 10 सेकंड पीछे लेकर के देख लीजिए, ले इसको दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उस तरह से इसको समझिए। अगला सवाल हमारा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो पूरे बिहार में बताइए आप सबसे बड़ा नगर कौन है। आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि बिहार की जो राजधानी है पटना, ये पूरे बिहार का सबसे बड़ा नगर होगा। बिहार की राजधानी जो पटना है ये पूरे बिहार का सबसे बड़ा नगर होगा। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध, याद रखिए महात्मा बुद्ध ये बिहार के कैसे व्यक्ति हैं जो अपनी पहचान बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के अभी जितने बड़े बड़े जो विकसित देश हैं यहाँ पर भी इनके अनुयायी पाए जाते हैं। तो महात्मा जो बुद्ध है, जिनके नाम पर अभी बौद्ध धर्म चलता है, जिनके कारण अभी पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म चलता है और कई देश इस धर्म को मानते हैं, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से की। तो याद रखिएगा, चूंकि बिहार के थे तो ये बिहार में ही ज्ञान प्राप्त किए थे और इस स्थान का नाम है बोध गया। संयोग से मैं यहाँ गया भी हूँ, मतलब बोध गया जो है मैं गया हूँ। वहां पर जाने के बाद बहुत सारी बौद्ध भगवान की आपको मूर्तियां देखने को मिलेगी, एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई हाल फिलहाल में। आप भी कभी कभी निश्चित रूप से स्कूल की तरफ से बोध गया गए होंगे, ये राजगीर के ही आसपास का एरिया है। तो जो नहीं गए हैं मैट्रिक परीक्षा दीजिए और जल्दी जल्दी जा करके बोध गया घूम करके आ जाइए। तो याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था, बोध गया से प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, यानी पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो आर्थिक मंदी था वो किस वर्ष आया था। मैं आपको कई बार क्लास में बताया था कि जब विश्व युद्ध की समाप्ति हुई या उसके बाद अमेरिका लोन देना बंद कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1929 ईस्वी आते आते पूरे विश्व भर की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो काफी खराब हो गई थी। याद रखिए, जब भी आपको पूछे कि आर्थिक महामंदी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कब आया था, तो 1929 ईस्वी में आया था। इसके कई कारण थे और इन कारणों में सबसे प्रमुख कारण था विश्व युद्ध का होना, विश्व युद्ध का होना। अगला सवाल है, करा ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो याद रखना 1944 ईस्वी में हुआ था, ब्रिटेन वुड सम्मेलन जो है ये 1944 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। देखो ये जो गुटेनबर्ग था एक वैज्ञानिक है, और हमारे यहाँ जो प्रिंटिंग प्रेस है, जैसे आपके घर में शादी विवाह होता है या फिर मुंडन होता है या सरस्वती पूजा हाल फिलहाल में मनाएंगे तो कार्ड छपाते हो ना जी, इस कार्ड की छपाई करने के लिए जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आविष्कार किया था प्रिंटिंग प्रेस का, समझे। तो गुटेनबर्ग ने क्या किया था, एक मशीन बनाया था जिसका नाम है प्रिंटिंग प्रेस, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के चीजों की छपाई होती है, जैसे हमारे पुस्तक हो गया, कार्ड हो गया,
कैलेंडर हो गया, इन सबों की छपाई की जाती है। तो लेकिन गुटेनबर्ग ने जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था तो सबसे ज्यादा वो शुरू में क्या चीज छापा था, चूंकि ये थे स्वयं ईसाई धर्म से, और जब गुटेनबर्ग ने जर्मनी में इसका आविष्कार किया तो मार्को पोलो कैक्टस इन दोनों के द्वारा जो है ना प्रिंटिंग प्रेस को यूरोप लाया गया, और यूरोप में उस समय सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग थे, अभी भी हैं। तो जब ईसाई धर्म के लोग थे तो उन्होंने क्या किया, अपना बाइबिल छापना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे ये बाइबिल एक धर्म ग्रंथ है, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में गीता होता है, मुस्लिम में कुरान होता है, अगर सिख की बात करेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब होता है, इसी तरह जो ईसाई धर्म के लोग है ना उसका एक धार्मिक पुस्तक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइबिल। तो ध्यान रखना कि जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया तो इस प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से सबसे ज्यादा अगर छपाई किसी चीज की गई तो वो था बाइबिल। वो कौन था, बाइबिल। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी। बताइए, कभी कभी होता है ना कि जैसे आपको कहेगा चलो कोसी कॉलेज मार करने के लिए, और सब छात्र के साथ चले गए, और जिन्होंने आपको लेकर के गया था वो पीछे से घसक गया, और जो पीछे से गए वो अपना मुंह कान फुला करके बजरंग बली बन के घर आ गए। तो यही बात हो गया कि अंग्रेज क्या किया था कि जितने भी हमारे भारतीय पत्र पत्रिका थे वो क्या कर रहा था कि अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भड़काऊ भाषण छापते थे, और जिसके कारण हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हो रही थी। तो अंग्रेज क्या किया कि ऐसे ऐसे सभी जितने भी भारतीय प्रेस थे उनको चिन्हित किया कि कौन कौन ऐसा प्रेस है जो कि हमारे विरुद्ध भारतीय जनता को भड़काता है। तो उसमें कई जो है ना पेपर का नाम आया, तो उन सभी पेपरों पर एक एक्ट के माध्यम से जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि आज के बाद ये पेपर जो है भारत में नहीं छपे। अब कुछ हमारे देश के पेपर वाले थे जिन्होंने जिनको देश से ज्यादा उस समय धंधा ज्यादा पसंद आया, तो उसी में एक प्रेस वाला था जिसका नाम था, याद रखो, अमृत बाजार पत्रिका। याद रखना, अमृत बाजार पत्रिका, ये छपता था हिंदी में, और ये इसको लगा कि अब जो है ना हम पे कार्रवाई होगा, इन्होंने अपनी भाषा ही बदल लिया, अब ये अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया। अब अंग्रेजी में इसलिए छापना शुरू कर दिया कि भाई अंग्रेज को पता ही नहीं चलेगा, सॉरी भारतीयों को पता ही नहीं चलेगा हम क्या क्या लिख रहे हैं। तो ये अपना प्रेस को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना भाषा ही बदल दिया। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कि एक कानून था इससे बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। चलिए हमारा अगला सवाल है, इसको देख ले रहे हैं, करा कि भारत में किस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है। आपको तो ये पता ही होगा कि भारत में आपको सॉफ्ट और हार्ड दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर जो हमारा लोकतंत्र है ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, याद रखिएगा हमारे जो भारत में लोकतंत्र है ये कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार ये कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी पूछा गया है कि 15वीं लोकसभा में, याद रखिएगा यहाँ चूंकि दिया है 15वीं तो 15वीं याद रखिएगा, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी हमारी लोकसभा में। जैसे हमारा जो सांसद चलता है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री पूरे देश को चलाते हैं, 15वीं लोकसभा में महिला की संख्या कितनी थी, तो महिला की संख्या सिर्फ और सिर्फ 10.68% था, जो कि असम्मानजनक है, समझे। इसके बाद आरक्षण भी दिया गया महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने के, लेकिन 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो स्थिति थी लोकसभा में वो सिर्फ और सिर्फ 10.68% था, जिससे ये पता चलता है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो खुल करके राजनीति में भाग अभी भी नहीं ले पाती थी, और जब तक महिलाओं की भागीदारी राजनीति में नहीं होगी तब तक हम लोग का देश जो है वो विकसित नहीं हो सकता है, चाहे राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, जब तक आप महिलाओं को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तब तक जो है उसका विकास नहीं हो पाएगा। अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हमारे वीडियो भी सुन रहे हुए तो उनको भी बुरा लगता होगा कि सर लड़की के तरफ से
वकालत कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है, ये सिस्टम है। जिन जिन देशों, जो जो देश अभी विकसित देश की श्रेणी में है, वहां जाकर आप पता कीजिए कि मेल एंड फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों मिल करके काम करते हैं, उसके बाद जो है उस देश की जो व्यवस्था है वो काफी मजबूत हो रही है। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। करक, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ध्यान रखिए कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण है, और वो भी तनी मनी नहीं, सीधा सीधी 50%। आप तो देखबे करते होंगे कि बिहार में भी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया। हाँ, ये बात सही है कि महिला जो है इसका उपयोग सही से नहीं कर रही है अभी भी। जैसे मान लो कि कहीं पर कोई मुखिया पद के लिए चुनाव हो रहा है, याद रखो अगर कहीं पर ये क्या हो रहा है जी, देखिए हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है वहां पर महिलाओं को तो 50% का आरक्षण दिया गया। अब 50% का मतलब हो गया कि अगर एक जिला में मान लो 300 मुखिया बनेगा ना, तो इसमें से 150 मुखिया जो है ना महिला ही होगी और 150 मुखिया पुरुष होगा। लेकिन सरकार आरक्षण दे दिया, लेकिन इसका कोई खास जो है लाभ जो है पंचायती राज व्यवस्था को मिलता ही नहीं है। अगर ये वीडियो बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये कड़वा सच है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलने के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है। मैं कई बार ऐसा देखा हूं, जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति बहुत लंबे दिनों से मुखिया प्रतिनिधि रहा या फिर दबंग टाइप का, वो क्या करता है अपनी पत्नी को मुखिया में खड़ा करवा दिया बिना टैलेंट के दम पे। उसकी पत्नी बिल्कुल भी सुयोग्य नहीं है जिस, लेकिन उनके पति का वर्चस्व है राजनीति में, और वो क्या करता है आरक्षण के दम पर अपनी महिला को क्या कर देता है, चुनाव में खड़ा कर देते हैं और वहां से उनको चुनाव जिता लेते हैं। लेकिन चुनाव जिताने के बाद कभी भी वो पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी कार्य हैं उसमें संलिप्त भी नहीं होते, कभी भी उनकी भागीदारी नहीं होती है। कभी होता क्या कि सिर्फ और सिर्फ जो मुखिया जी होते हैं, जो मुखिया जी वास्तव में मुखिया नहीं होते, उनकी पत्नी जो होती है वो मुखिया होते हैं, लेकिन सभी काम जो है उनके पति करेंगे, और जो उनकी पत्नी यानी ओरिजिनल जो मुखिया है वो घर में रहेगी, रोटी बनाएगी, और रोटी बनाते बनाते सभी फाइल को वहां पर रख देना, एक रोटी बेल रही है इधर सिग्नेचर कर रही है। कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि अगर उसमें तलाक का पेपर भी घुसा देना तो जो ओरिजिनल मुखिया वो बिना देखे उस पर साइन कर देगी। तो कई बार पंचायती राज व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, और हमारे आसपास में कई ऐसे प्रतिनिधि हैं जो कि निश्चित रूप से आरक्षण का लाभ लेकर के चुनाव तो जीतते हैं, लेकिन वास्तव में उसका जो प्रतिनिधित्व होता है वो किन्हीं दूसरे व्यक्तियों के हाथों में होती है। लेकिन महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया जा रहा है। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा नगर निगम के आय के स्रोत नहीं है? जो नगर निगम है उसका आय का स्रोत नहीं है, तो ध्यान रखो जो नगर निगम वाले हैं वो आयकर उसका स्रोत नहीं है। मतलब जो भी नगर निगम है अगर उस क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति इनकम टैक्स भरते हैं तो उसका लाभ जो है ना नगर निगम को नहीं मिलेगा। इसका मतलब 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, सवाल है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? देखो ग्राम कचहरी का मतलब होता है कि गांव स्तर पर, जैसे हम लोग अभी शहर में मारपीट कर लेते हैं और सीधे सीधे कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गांव में रहते हैं ना उनके लिए कोर्ट जाने से पहले जो है ना उसको ग्राम कचहरी में जाना पड़ता है। जैसे इधर कोर्ट में जज साहब प्रधान होते हैं ना, उसी तरह से जो ग्राम कचहरी है उसमें सरपंच प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है जी? सरपंच। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। चलिए हमारा जो अगला सवाल है वो है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यानी इसका मतलब हो गया कि जो ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत मतलब क्या, जो पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य जिला परिषद ये सभी बनते हैं, तो इनका जो कार्यकाल है कितने दिनों का होता है? तो याद रखिए इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। यानी हमारे पूरे भारत में कुछ ही ऐसे पद हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जैसे कि राज्यसभा का सदस्य।
बाकी लगभग जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं ना, तो याद रखिएगा उसका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्षों का ही होगा। एगो बस एक एक्सेप्शन में याद रखिएगा, जो राज्यसभा का सदस्य होता है या फिर विधानसभा का विधान परिषद का जो सदस्य होता है उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। बाकी जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं जिन्हें डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का ही होगा। यानी 26 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, कह रहा कि राजनीतिक दल, याद रखो क्या कह रहा, राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। यानी जो हमारा जो राजनीतिक दल है जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जेडीयू है, राष्ट्रीय जनता दल है, रालोसपा है, या फिर आम आदमी पार्टी है, समझे, या फिर बहुत सारी देश में पार्टियां हैं, तो ये सबसे पहली पार्टी जो बनी थी, जो सबसे पहली जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी बना था, राजनीतिक पार्टी बनी थी, उसकी नींव कहाँ पे रखी गई। तो याद रखो कि राजनीतिक दलों की नींव जो है वो ब्रिटेन में रखी गई। याद रखो इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां पर राजनीतिक दलों की नींव रखी गई। मतलब क्या, पूरी दुनिया में सबसे पहले जो राजनीति करना शुरू किया तो कौन शुरू किया, तो याद रखो इंग्लैंड से शुरू हुआ। इंग्लैंड का एक दूसरा नाम क्या होता है, ब्रिटेन होता है। इंग्लैंड का ही दूसरा नाम ब्रिटेन है। चलिए, चूंकि हम बोल देते हैं, चूंकि आप 10th के बच्चे हैं जनरल कमीशन के, तो बच्चे वैसे भी समझते हो कि ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही है। वैसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैं भी जान रहा हूँ कि इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही होता है। चलो, इस बहाने से जो नहीं जान रहे हैं वो बार बार डिस्कशन करने के बाद समझ जाइए कि ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही है। करा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन का नेता था। तो याद रखो भारतीय किसान यूनियन का जो प्रथम नेता था वो महेंद्र सिंह टिकैत था, और वर्तमान समय में जो नेता है वो उसका भी नाम टिकैत ही है, समझे, लेकिन उनका नाम है राकेश टिकैत। लेकिन जो सबसे पहले जो व्यक्ति थे जो भारतीय किसान यूनियन के जो प्रथम नेता थे उसका नाम था महेंद्र सिंह टिकैत, समझे, क्या नाम था, महेंद्र सिंह टिकैत। याद रखो महेंद्र सिंह धोनी, बस उसमें टिकैत जोड़ दो, बस ये हो जाएगा हमारा भारतीय किसान यूनियन के नेता। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत थे। यानी 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। देखो ये जो संपूर्ण क्रांति के जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे हमारे फेवरेट लीडर्स हैं जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण जी। अभी बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार या फिर रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वो तीनों के जो राजनीतिक गुरु थे वो यही थे, जयप्रकाश नारायण जी। इन्हीं के पद चिन्ह पर चल करके ये लोग राजनीति सीखे और एक एक करके बिहार में जो अपना सत्ता स्थापित किए। तो याद रखो कि संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे वो थे जयप्रकाश नारायण। मैं इस पे एक छोटा सा कहानी आपको बता दूं, चूंकि इससे बहुत सारे सवाल आपको पूछा जाता है। जब 1972 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर के शासन में आई, और शासन में आने के बाद ही देश में फटाफट जो है ना दो अप्रिय घटना घट गई। एक बांग्लादेशी शरणार्थी भारत चले आए, और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमत में काफी अधिक वृद्धि हो गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा दे करके देश में आई थी ना, उनके आने के बाद देश में और भी अधिक महंगाई बढ़ गया, और इस महंगाई के बढ़ने के कारण पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए, और उसी आंदोलन का नेतृत्व बिहार के एक छात्र नेता जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा भी किया गया। और देखते ही देखते यह जो आंदोलन था ना ये राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया। पटना के गांधी मैदान में इन्होंने जब एक सभा का आयोजन किया तो उस समय पूरे विश्व से सबसे अधिक लोगों की जमावड़ा वहां पर हुई, एक विश्व रिकॉर्ड बन गया, इतने लोग उस सभा में आए। और इस सभा के बाद उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया और दिल्ली चलो का आह्वान किया, और स्थिति ये हुई कि कांग्रेस की सरकार बीच में ही गिर गई और देश में इमरजेंसी लग गया। तो यही जो क्या है, संपूर्ण क्रांति के जो नेता थे उनका नाम है जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण क्रांति के जो नेता हैं इनका नाम है जयप्रकाश नारायण जी। चलिए, अगला सवाल है, करल लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, और लगभग जब भी कोई व्यक्ति आपको सिविक्स पढ़ाए तो ये स्लोगन निश्चित रूप से आपको सुनाता है कि लोकतंत्र जनता का,
जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का था। याद रखो ये कथन जो है वो अब्राहम लिंकन का, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए अगला सवाल है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है। ये तो हम आपके छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अब भी कुछ बस 1-2 साल के बाद भारत में जो है ना वोट देने का अधिकार रखेंगे, क्योंकि भारत में वोट देने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष से शुरू हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को लगे अक्सर 21 सुन रहे थे, तो अगर सुने नहीं, 21 जो किया गया ना वो विवाह करने के लिए जो न्यूनतम आयु उसको बनाया गया। तो अगर कोई व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए 21 वर्ष है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन अनुसार प्रतिनिधि चयन करना चाहते हैं देश को जाति मुक्त, परिवार मुक्त और विकास की राह पर अगर लाना चाहते हैं तो अब 18 साल की उम्र के बाद आप भी वोट कर सकते हैं और एक ऐसे योग्य उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं जो आपका किस्मत बदलने में सहायक हो। तो याद रखो कि भारत में जो वोट देने का अधिकार है वो 18 वर्ष की आयु से प्राप्त होता है। करा कि 15वीं लोकसभा के चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। मैंने इससे पूर्व भी बताया कि 10% से भी कम थी, क्योंकि जब 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय महिलाओं का जो प्रतिशत था वो 10.8% था या 10.67% था, लेकिन इससे पहले जो है ना 10% से भी कम जो है महिलाओं की इसमें भागीदारी थी। अगला सवाल हमारा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, यानी गठबंधन की जो सरकार होगी उसका प्रशासन पर कैसा पकड़ होगा। तो ढीला पकड़ होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मान लो कि गठबंधन माने क्या कि जब कई राजनीतिक पार्टी आपस में मिलकर के सरकार बना ले, जैसे कि अभी बिहार में स्थितियां बन रही है, आप समझ रहे होंगे कि बस रोज रोज धमकी देगा कि मंत्री पद अगर हमें नहीं मिला तो हम दूसरे पल्ले में जाकर के बन जाए, यहाँ तक कि सीएम ही अदला बदली हो रहा है कई वर्षों से। तो जब भी देश में या राज्य में एक राजनीतिक दल का पूर्ण बहुमत नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से सरकार में अस्थिरता बनी रहेगी और सरकार की स्थिति इतनी खराब होगी कि प्रशासन पर से भी उसका पकड़ उठ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक लोग भी होते हैं जिसका सीधा पकड़ राजनीतिक वाले व्यक्ति से होता है, और अगर कुछ कम वोट से या कुछ जनप्रतिनिधि से अगर सरकार गिरने वाली बात हो तो उसको गिरा भी दिया जाता है। तो ध्यान रखो कि जब भी गठबंधन की सरकार होगी तो प्रशासन पर उसका पकड़ जो है वो हो जाएगा ढीला, प्रशासन पर उसका पकड़ क्या हो जाएगा ढीला हो जाएगा। बहुजन समाजवादी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप, अभी मायावती जी जो है इनके वर्तमान अध्यक्ष है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे कि इसका संस्थापक कौन था, तो इनके संस्थापक थे स्वर्गीय काशीराम जी, यानी अभी जो उत्तर प्रदेश का एक पार्टी है जिसका नाम है बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका वर्तमान समय में चुनाव चिन्ह हाथी छाप है और वर्तमान अध्यक्ष हैं मायावती जी, तो इनके जो संस्थापक कौन थे यानी प्रथम अध्यक्ष इनके कौन थे, इनके संस्थापक थे स्वर्गीय काशीराम जी। याद रखिए इनके संस्थापक थे स्वर्गीय काशीराम जी, बहुजन समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन है, स्वर्गीय काशीराम जी है। करा नेपाल में माओवादी नेता कौन है, तो नेपाल का जो माओवादी नेता है वो पुष्प दहल प्रचंड जी है, पुष्प दहल प्रचंड जी। हमारे यहाँ माओवादी बेन है लेकिन नेपाल में ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सरकार में इसकी भूमिका होती है और कई बार ये लोग सरकार भी चला चुके हैं। तो जो नेपाल के माओवादी नेता है उसका नाम है पुष्प दहल प्रचंड जी। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किसमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ये बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था, ये जो हमारा टीचर वाला जो बीपीएससी एग्जाम हो रहा है इसमें पूछा गया है कि निम्न से प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा गया। आप सबको पता है कि कृषि क्षेत्र जो कि भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है इसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। याद रखिए कृषि को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और जो जितना भी सेवा क्षेत्र है चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो उसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र में रखेंगे, और जितने भी व्यवसाय हैं उसे हम लोग द्वितीयक क्षेत्र में रखेंगे और सेवा को हम लोग तृतीयक क्षेत्र में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो याद रखिए कि प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि को कहा जाता है। चलिए अगला हमारा सवाल है, ध्यान से देखिए
करा, किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ये तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि जब तक आप बिहार का विकास नहीं करोगे तब तक भारत का विकास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिहार भारत का एक अभिन्न अंग है। और एक घर में अगर 5 सदस्य हैं, 4 व्यक्ति खूब कमा रहे हैं और 1 व्यक्ति जमीन बेचने पर उतरल है, जैसी कि हमारे बिहार की स्थिति है, तो कभी भी हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। तो इस बात को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन और हमारे भारत के राष्ट्रपति थे और एक बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिनका कर्ज भारत पर अभी भी है, इनके द्वारा कहा गया था कि अगर बिहार का विकास नहीं होगा तो देश की विकास की कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारे नेता हैं जो कि अभी अभी तो अब ऐसी सरकार है कि केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार है, तो भी बिहार का विकास नहीं हो रहा। इसे पूर्व में रहता है तो यहाँ पर राजनीतिक चलते, लोग भी हमारे यहाँ जो अनकंसस हैं वो इतनी राजनीति को अच्छी तरह से समझते नहीं है, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जिसका परिणाम ये है कि बिहार जो है कई वर्षों से इस मामले में उपेक्षित है। लेकिन जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, किसी भी परिस्थिति में हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। चलिए अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो जो सबसे बड़ा शहर होगा उसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगा। तो पूरे बिहार में सबसे बड़ा जो शहर है वो है पटना, क्योंकि देश की सॉरी राज्य की राजधानी है, इसीलिए बिहार पटना की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। याद रखिए, पटना की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। कहता कि भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय होता है इसको हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कि समय मार्च क्लोजिंग चलता है, बहुत सारे बैंक जो है रुपया कम देगा, लोन नहीं देगा, जितना भी लोन अपना इधर उधर उसको रिकवर करने का प्रयास करेगा, यानी पूरे 1 साल में क्या लेन देन हुआ है इन सभी की सूचना RBI को सबमिट करनी पड़ती है। इसलिए भारत में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो समय होता है, या 31 मार्च या 1 अप्रैल इसको बोल सकते हैं, ये हमारा वित्तीय वर्ष है, मतलब पूरे साल का जो लेखा जोखा इस समय जो है ना RBI को देना पड़ता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो वर्तमान समय में मुद्रा, मुद्रा माने क्या, जिसके दम पर आप विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को खरीद और बेच सकते हैं। जैसे अभी मार्केट जाते हैं, जींस खरीद लिए, सब्जी खरीद लिए, खाने पीने की वस्तुएं खरीद लिए, तो इसको खरीदने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? तो आप सबको पता है कि कागज के नोट का प्रयोग किया जाता है, यानी हमारे समय में जो मुद्रा है वर्तमान समय में ये हमारा क्या है, कागज का नोट है। अगला सवाल है कि साख पत्र का अर्थ क्या होता है? देखिए, साख पत्र का मतलब होता है, साख को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब आप समझ ही गए कि विश्वास करना, क्रेडिट का मतलब होता है विश्वास करना, और ऋण लौटाने की क्षमता, यानी साख का मतलब है कि बैंक आप पे विश्वास करेगा, और विश्वास माने क्या कि आपको बैंक को ये भरोसा दिलाना होगा कि बैंक जो रुपया आपको दे रही है आप उसको सही समय पर EMI के रूप में लौटा देंगे। तो यानी विश्वास करना और ऋण लौटाने यानी लोन लौटाने की जो क्षमता होती है, इन्हें दोनों को ही साख कहते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, A एवं B दोनों। अगला सवाल है कि वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो याद रखो, वाणिज्य बैंक जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं इसका राष्ट्रीयकरण, जैसे कि अभी तो आप सबको सिमटा करके इसकी संख्या कम कर दी गई है, इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1969 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, पूरे भारत में जितने भी बैंक थे उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। करा, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? यानी गैर गैर संस्थागत का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर का जो वित्त प्रदान करने वाला जो सबसे लोकप्रिय साधक है वो है महाजन। जैसे महाजन का मतलब क्या हुआ कि गांव सब में भी आप देखते होंगे कि गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके पास में फंडिंग मौजूद रहता है, रुपया पैसा रहता है, तो वो लोग क्या करता है कि कुछ ब्याज के दर पे जरूरतमंद लोगों को क्या करता है, रुपया देता है, और समय पर फिर से उसको ब्याज के साथ फिर उससे वापस ले लेता। तो याद रखिए, गैर संस्थागत मतलब क्या कि प्राइवेट सेक्टर का
रुपया पैसा प्रदान करने वाला जो सबसे लोकप्रिय साधन है वो होता है महाजन और सेठ साहूकार। याद रखिएगा, महाजन और सेठ साहूकार, जो कि काफी महंगा ब्याज दर पर जरूरतमंद लोगों को रुपया देता है और फिर से जो है ना वो ब्याज समेत उसको वापस लेता है, ब्याज समेत उसको वापस लेता है। अगला सवाल है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि गैर सरकारी बने प्राइवेट, तो मॉल सेवा जो है वो क्या हो जाएगा जी? प्राइवेट हो जाएगा, क्योंकि सेना सरकार के द्वारा सेवा दी जाती है वित्त में, मतलब जो भी फाइनेंस में जैसे बैंकिंग वुकिंग हो गया सरकार के द्वारा, तो ये रेल जो है वो सरकार का ही है। लेकिन 100% जो गैर सरकारी सेवा वो मॉल सेवा है, क्योंकि मॉल सरकार के द्वारा नहीं चलाई जाती है, मॉल किसी न किसी प्राइवेट व्यक्ति का होता है और प्राइवेट व्यक्ति वहां पर जो है ना कर्मचारियों को रखता है। तो कह रहा कि कौन सा गैर सरकारी सेवा, तो याद रखो कि मॉल जो चलाना होता है वो हमारा गैर सरकारी सेवा होता है। कहता आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? मैंने अभी तुरंत बताया कि सेवा क्षेत्र को हम लोग आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहते हैं। इसमें सरकारी सेवा भी आ सकती है और गैर सरकारी सेवा भी आ सकती है, तो यानी सेवा क्षेत्र को हम लोग आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कह सकते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? तो 5 अंग है। याद रखो, वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में। आपको पता होगा विश्व व्यापार संगठन, इसको हम लोग WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, और इसमें 149 देश को शामिल किया गया था और इसकी स्थापना जो है 1995 ईस्वी में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो जनेवा में। याद रखो, इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। और भारत भी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, याद रखिएगा, भारत भी क्या है? विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, और इसकी जो स्थापना हुई है या इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? जनेवा में। करा अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों का निर्धारण करने के वाली जो संस्था होती है उसको क्या कहते हैं? जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो विश्व बैंक भी है, IMF भी है और UNO है। ये तीनों के तीनों एक ऐसे संस्था हैं जो कि वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर विभिन्न जरूरतमंद देशों को लोन देता है। तो भारत भी जो है ना बहुत सारा कर्जा इन सब से लिया है। अभी भी हम लोग बहुत सारा सोना जो है वो गिरवी रखे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अगर कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना चाहे, जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी अमेरिका में काम कर रही है और अमेरिका में उसको फैक्ट्री डालना है, तो वो विश्व बैंक से या फिर IMF से या फिर UNO से वो कर्जा ले सकता है और अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। तो ये सभी के सभी जो है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने वाला बैंक है। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने वाला बैंक है। अगला सवाल देखिए, करा भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो देखो, लगभग कानून में आपको यही आएगा 1986। तो याद रखो, भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, मतलब अगर कोई उत्पादक या कोई फैक्ट्री का मालिक या कोई दुकानदार किसी भी ग्राहक को शोषण करता है, किसी भी ग्राहक का शोषण करता है, तो उस उपभोक्ता के खिलाफ, उस फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ, उस दुकानदार के खिलाफ उपभोक्ता जो है वो केस कर सकता है, और इसके लिए कानून बनाई गई है जिसे हम लोग उपभोक्ता संरक्षण कानून कहते हैं। और यह कानून जो है 1986 ईस्वी से हमारे पूरे भारत में लागू है। और इसको ध्यान में रखते हुए 3 प्रकार के न्यायालय की स्थापना की गई है, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक जो है ना इसको लेकर के जिला स्तर पर भी न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसमें उपभोक्ता अपने जरूरत के आधार पर, अपने जरूरत के हिसाब से शिकायत कर सकता है और समय रहते इसका निदान जो है सरकार को करना पड़ेगा। चलिए, हमारा 50 लग गया। और 50 नंबर सवाल है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? क्योंकि अभी जो है इसको लेकर के कोई निश्चितता नहीं, ये समय समय पर बढ़ते जाता, कभी 50 रुपया था, कभी 10 रुपया लेता था, कभी 70 रुपया लेता है, इसीलिए मैंने इसमें लिख दिया इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, ये आपका करंट अफेयर, मतलब ये जो उपभोक्ता के लिए शुल्क है ना, ये साल 1.5 साल 2 साल में बदलते रहता है। इसका जो अभी मान लो कि हम कोई इसका शुल्क बता दें, आज से 10 साल बाद मेरा कोई ये वीडियो देखेगा उस समय गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसका आंसर बोल दिया इसमें से कोई नहीं। आप इसको गूगल कर लेना, जिस समय आपका एग्जाम हो
उस समय एक बार गूगल करके देख लीजिए कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए जो आवेदन शुल्क लगता है, जो आपको एक शुल्क देना पड़ता है, वो कितना रुपया। ये समय के साथ, महंगाई के साथ बढ़ते जाता है। ये 10 रुपया भी था, कभी 50 रुपया भी लेता है, कभी 70 भी लेता है। और महंगाई जो जो बढ़ेगा, इसका शुल्क जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो समय के अनुसार अपडेट होते रहेगा, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊँ।